सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनावों के नजदीक कुछ कांग्रेसियों के अंदर बीजेपी की आत्मा प्रवेश कर जाती है और अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो कुछ कांग्रेसी विरोध करने में जुट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से राजेंद्र राणा कांग्रेस में है तब से कुछ लोग भाजपा रूपी जाप करने में लगे हुए हैं। राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब जेलों से इन कांग्रेसियों में से भाजपा की आत्मा का बाहर निकाला जाएगा। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की जनता ने चुनकर विधायक बनाया है लेकिन कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ एक कांग्रेसियों में बीजेपी की आत्मा घुस जाती है जिसे जल्द ही जेलों की मदद से बाहर निकाला जाएगा। राणा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही कुछ कांग्रेसी भाजपा का गुणगान कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। विरोध वाली जो बात है वहां तो सुजानपुर की जनता ने राजेंद्र राणा को ऐतिहासिक आशीर्वाद देकर अपना आशीर्वाद दिया है, परंतु जब से मैं कांग्रेस में आया हूं तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के पांच चार लोग ऐसे हैं जिनकी आत्माएं जो हैं, जिनके शरीर में भाजपा की आत्माएं घुस गई हैं। ये भाजपा की आत्माएं जो उनके शरीर में घुसी हैं, ये जब चुनाव आते हैं तो ये आत्मा जो है प्रचंड हो जाती है। अब लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है तो पांच चार आत्माओं में भाजपा रूपी आत्मा जो है घुस जाती है। मुझे लगता है कि इसका इलाज जो है वो पुराने समय में जो चेले करते थे ना, यू अंडरस्टैंड, चेले वहां से चेलों से इनकी आत्माओं से भाजपा की आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। से पांच चार लोगों का मैं विरोध देख ही रहा हूं और ये लोग किसके इशारे पे करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर इतना मुझे मालूम है कि दो चार पांच छह लोग ऐसे हैं जो 2014 में भी उनके शरीर में भाजपा की आत्मा घुसती देखी है मैंने और भाजपा की बोली बोलते देखे हैं। और अब जब चुनाव फिर से आ रहे हैं, सतारा में भी जब मैंने असेंबली का इलेक्शन लड़ा तब की उनके शरीर में भाजपा आरोपी आत्मा घुस गई थी और अब 2019 में मुझे ऐसे लग रहा है कि 2019 में भी उनके शरीर में भाजपा रूपी आत्मा फिर से घुसकर जो है प्रचंड हो रही है।